आज हम बनाएंगे बिना मैदा आटा चीनी गुड़ के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी केक, वो भी सिर्फ 10 से 12 मिनट में केक बनके रेडी हो जाता है और साथ ही साथ बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनके तैयार होता है। इसमें हमने कोई बटर और घी का भी यूज़ नहीं किया है। उसके लिए सबसे पहले हम एक कप ओट्स का पाउडर ले लेंगे। इसे हमने नॉर्मल ओट्स को मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर तैयार कर लिया है। ये एक कप एक बर्तन में डालेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। इन दोनों को एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने 8 पीस खजूर को और 30 ग्राम कैसोनट को काजू को आधे घंटे पहले भिगोकर छोड़ दिया था। अब हम खजूर से बीज निकालेंगे। इस तरह काट के बीज को निकाल लें। सारे खजूर इसी तरह तैयार कर लें। काजू को और खजूर को हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे और हम 1 कप दूध लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते हुए एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार है काजू और खजूर का। इसमें अभी हमने 1/2 कप दूध ऐड करके इस तरह पीसा है। इस पेस्ट को हम इस मिक्सचर में डाल लेंगे। हमने जो 1 कप दूध लिया था उसमें से ये 1/2 कप बचा हुआ है, इसे हम थोड़ा सा और डालेंगे और एक बार मिक्स करके देखेंगे। देखिए इस तरह ये हमारा बैटर तैयार है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस, इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, देखिए ये बहुत थिक हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे। इसे डाल के एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा 2 टेबलस्पून दूध बचा हुआ है 1 कप में। बैटर भी बिल्कुल तैयार है। अब आपके पास कोई कढ़ाई फ्राइंग पैन जो भी हो वही ले लें। उसमें नीचे आप इस तरह बटर पेपर लगा दें और घी से अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लें। अब इस बैटर को हम इस पैन में डालेंगे। सारे बैटर को डाल के अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें चारों ओर स्पैचुला से। अब इस पर हम कुछ सीड्स स्प्रेड करेंगे। आपके पास सीड्स ना हो तो आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। ये हम इस पर पम्पकिन सीड डाल रहे हैं, कुछ सनफ्लावर सीड यूज़ कर रहे हैं। हमने कुछ डार्क चॉकलेट के इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं, इसे भी हम डालेंगे इसके ऊपर। थोड़ा दूर दूर इस तरह प्लेस कर दें, इस तरह चॉकलेट को भी इसमें अरेंज करके। छोटे वाले बर्नर पे बिल्कुल लो फ्लेम में इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के चेक करेंगे। उसमें कोई भी एक नाइफ टूथपिक जो भी आपके पास हो इस तरह डाल के देखें। ये देखिए बिल्कुल क्लियर निकला है, इसका मतलब कि केक रेडी है। टाइम 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपके फ्लेम पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा हमारा केक एग्जैक्ट 10 मिनट्स में रेडी है। ये हमारे तीनों स्पंज रेडी है, 2 चॉकलेट स्पंज और 1 वनीला स्पंज। इसमें हमने कोको पाउडर नहीं डाला है, बाकी सब सेम इंग्रेडिएंट्स डाला है और इसमें नट्स भी नहीं यूज़ किया है। इन्हें एक रैक पे निकाल के ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद अब हम इसे फ्लिप करेंगे और हमने जो बटर पेपर लगाया था उसे निकाल लेंगे। इस तरह तीनों केक के बटर पेपर रिमूव कर दें। अब हम केक डेकोरेट करेंगे। उसके लिए हमने इस तरह ये डार्क चॉकलेट मेल्ट कर लिया है। इसे मेल्ट करके थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम एक कोन लेंगे, ये रेडीमेड कोन है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी दूध का पैकेट या कोई भी पैकेट हो वो ले लें, उसमें इस चॉकलेट को फिल करेंगे। इस तरह कोन को फिल करके हम बिल्कुल पतला सा टिप काट लेंगे। अब आपको जिस भी साइज़ का लीफ बनाना हो उसे एक कार्डबोर्ड पे या एक पेपर पे इस तरह ड्रॉ कर लें। इसके ऊपर हम बटर पेपर रखेंगे और इस ड्रेसिंग पे हम लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह आउटलाइन बना के अब सेंटर में फिल कर दें चॉकलेट से लीफ बना के। अब हम एक ग्लास लेंगे, इसे हल्का सा फोल्ड करेंगे और इस ग्लास के अंदर डाल देंगे और इस तरह हॉरिजॉन्टली इसे लेटाकर हम फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख देंगे या जब तक कि ये चॉकलेट अच्छी तरह से सेट ना हो जाए तब तक रखेंगे। आपको जितने भी लीफ बनाने हो इस तरह बनाकर रेडी कर लें। ये हमने 1/2 कप क्रीम को व्हिप कर लिया है, ये हैवी क्रीम है। इसमें हम 2 से 3 बड़ा चम्मच
मेल्टेड डार्क चॉकलेट डालेंगे। इसे फिर से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमने देखिए अच्छे से चॉकलेट मिक्स कर लिया। चॉकलेट आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं कम ज़्यादा। हमारा बेस भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इन तीनों को एक ही साइज में कट करेंगे। तो आप कोई भी प्लेट या कोई भी बर्तन ले लें, इसे इस तरह चारों ओर से काट के निकाल दें। इस तरह सारे बेस तीनों बेस को काट लें। इससे फिनिशिंग भी आएगी साइड्स में और साइज भी हमारा एक ही हो जाएगा तीनों बेस का। अब जिस पे भी केक डेकोरेट करके रखना हो उस पर थोड़ा सा नीचे क्रीम लगाएं, उसके ऊपर एक बेस रखें। हमने हाफ कप पानी में 2 बड़ा चम्मच चीनी डाल के इस तरह इसे मेल्ट कर लिया है, ठंडा कर लिया है। अब इस सिरप को केक पे डाल के अच्छी तरह से सोक करेंगे, उससे केक सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम चॉकलेट क्रीम स्प्रेड करेंगे। क्रीम हम कम से कम यूज़ करेंगे। इसके ऊपर हम वनीला स्पंज रखेंगे। हमने 2 चॉकलेट और 1 वनीला बनाया है, तो वनीला मिडल में रखेंगे। इसे भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। इस पर फिर से हम क्रीम स्प्रेड करेंगे, चॉकलेट क्रीम। इसके हम ऊपर हम थर्ड और लास्ट बेस रखेंगे और इसे भी इसी तरह शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। इस तरह हम लास्ट बेस को भी रेडी कर लेंगे। ये हमने और 1/4 कप क्रीम व्हिप कर लिया है। इसमें हम 1 ड्रॉप पर्पल जेल कलर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस केक को हम पूरी तरह से चारों ओर से इस क्रीम से कवर कर देंगे। हमारे चॉकलेट के लीफ भी सेट हो चुके हैं, ये देखिए, ये बड़े आराम से निकल आता है। देखिए इस तरह हमारे सारे लीफ बनके रेडी है। गोल्डन डस्ट लेंगे, थोड़ा सा इस तरह सारे लीफ पे कर देंगे ताकि ये देखने में सुंदर लगे। आपके पास सिल्वर, गोल्डन जो भी डस्ट हो वही यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे इसी तरह भी लगा सकते हैं। अब हम इन लीव्स को इनमें अरेंज करेंगे। आप अपने हिसाब से लीव्स को प्लेस कर लें। अब आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ हम सेंटर में ब्लूबेरी इस तरह प्लेस करेंगे। ये हमारा केक रेडी है।